दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा, सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घरों से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। जरूरी काम के लिए आप घर से बाहर निकल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर क्या गाइडलाइंस है। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी काम के लिए घर से बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट दफ्तरों में आधी संख्या 50% कर्मचारियों को ही बुलाने की अनुमति होगी। गैर जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। मेट्रो सेवा चालू रहेगी, लेकिन हर 15 से 20 मिनट बाद एक ट्रेन आएगी। रेल, बस या हवाई यात्रा के लिए आवाजाही पर पाबंदी नहीं होगी। अस्पताल, हेल्थ सेंटर, पुलिस, अग्निशामक और आपातकालीन सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। आवश्यक सुविधाओं जैसे खाना, सब्जी आदि की बिक्री नहीं रोकी जाएगी। कुल मिलाकर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों को कर्फ्यू के दौरान आने जाने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा।